3000 करोड़ रुपए हमारे केकेआरडीबी में है, वो पैसे का कैसा खर्च करना बोल के इनको अभी तक इनका जानकारी भी नहीं है। ये जो बीजेपी सरकार आज ये काम कर रही है, ये देश विरोधी और जन विरोधी काम है। ये बीजेपी का उत्सव है, कल्याण कर्नाटक के लोगों का उत्सव नहीं है। बहुत सारी भुखमरी है, गरीब लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, प्रॉपर रास्ते नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। और ये हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी का पार्टी का प्रचार करने के लिए कल्याण कर्नाटक उत्सव कर रहे हैं। This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. Gulburgi ke awam ko namaskar, salam, namaste. Aaj hamare jille ke andar KKRDB ki taraf se Kalyana Karnataka Utsav mana rahe hain. Halanki kalakaron ke liye achhi baat hai. जो हैदराबाद कर्नाटक के रीजन में रहते हैं कलाकार, उनको ही लेना चाहिए, ना कि बॉलीवुड हॉलीवुड अदर स्टेट से बुला के। हमारा इधर का पैसा है, लोगों का पैसा दूसरे के लोग दूसरे स्टेट वाले के कलाकार के ऊपर खर्च करना है गलत बात है। अगर बुलाए भी है तो उनके व्यक्तिगत जो जातीय इनकम रहती हो वो इनकम में से देना चाहिए उनको पैसे, इनके जो कार्यदर्शी है और अध्यक्ष है KKRDB के, क्योंकि ये स्पेशली हमारे KKRDB का पैसा है, क्यों हमारे डेवलपमेंट के लिए रखे सो पैसा है। तो एक कलाकार लोग है हमारे हैदराबाद कर्नाटक वाले, वो हमारे ही हैं, उनके ऊपर खर्च किए तो कोई ये नहीं है, अच्छी बात है। फिर ये सब कभी करते इंसान खा पी के, जिसका पेट भरा हुआ है खा पी के नाचने का गाने का काम करता है इंसान। अभी हमारे रीजन के अंदर बहुत सारी भुखमरी है, गरीब लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, प्रॉपर रास्ते नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, और जो बोर्डिंग स्कूल है मतलब हॉस्टल्स वगैरह है उसके अंदर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, कहाँ तो पानी बारिश होती है पानी लीकेज होता है, रोड ड्रेनेज भर के जाते हैं, ये सब बहुत सारे काम हैं। और एक अच्छा पीने का पानी भी नहीं है गुलबर्गा सिटी के अंदर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पानी का। ये सब काम के लिए ये पैसा यूज़ करना चाहिए, ना कि नाच गाने के लिए मेरी नज़र। इसलिए ये जो बीजेपी सरकार आज ये काम कर रही है, ये देश विरोधी और जन विरोधी काम है ये, इसके लिए हम कर्नाटक राष्ट्र समिति पक्ष से विरोध करते हैं उनको। बॉलीवुड से जो सिंगर्स को बुलाया गया है तो आपको क्या दिक्कत है उनको? दिक्कत क्या है बोले तो, ये हमारा पैसा है KKRDB का बोले तो, हैदराबाद कर्नाटक को स्पेशली प्रोविड किए जो पैसा है वो, तो हमारे लोगों के ऊपर ही इन्वेस्ट होना चाहिए, ना कि बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड वो सब कलाविदों के ऊपर खर्चा होना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि हमारे हैदराबाद कर्नाटक के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, उनको फर्स्ट आदित्य देना चाहिए, मतलब उनको पहले ये चांस देना चाहिए, ये हमारी मांग है। कल्याण कर्नाटक रीजन में जो कल्याण कर्नाटक का फेस्टिवल कर रहे हैं, इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जो उत्सव करते हैं, जो बोलते हैं फेस्टिवल करते हैं, किसके लिए करते हैं? क्योंकि इस रीजन का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये रीजन में जो एजुकेशन का प्रॉब्लम है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद इसका जो कल्याण कर्नाटक को उत्सव कर रहे हैं ये करना चाहिए। मगर ये बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, ये जो KKRDB के चेयरमैन है, इन्हों क्या कर रहे हैं कि कल जो इलेक्शन आ रहा है वो इलेक्शन में प्रचार लेने के लिए, और जो KKRDB में जो पैसा है वो पैसा लूट करने के लिए ये कल्याण कर्नाटक उत्सव कर रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो आज हमारा भाग का जो हमारे रीजन का कल्याण कर्नाटक रीजन में जो स्कूल का जो परिस्थिति है और हॉस्पिटल का जो परिस्थिति है, ये कुछ भी सुधारना नहीं हुआ। अभी भी कलबुर्गी में जो कल्याण कर्नाटक रीजन का जो हब्बागुल बोलते हैं हम, द्वार बागुल बोलते हैं, वो द्वार का यहाँ पे कैसा है कि अभी भी कोई भी वार्ड में अभी तक एक अच्छा रोड नहीं है, और ये पीने का पानी का व्यवस्था भी नहीं है, ऐसा बहुत से प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये सब प्रॉब्लम रख के हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए ये जो
बीजेपी के लोग है, बीजेपी का उत्सव है ये, कल्याण कर्नाटक के लोगों का उत्सव नहीं है, ये बीजेपी लोगों का उत्सव कर रहे हैं। इसके हम जो हमारे सभी लोग हैं हम इसका विरोध कर रहे हैं। इन्हों जो हमारा कल्याण कर्नाटक का प्रदेश अभिवृद्धि मंडली का पैसा जो है ये खाने के लिए, इसका पैसा जो है ये पैसे का लूट करने के लिए कल्याण कर्नाटक उत्सव कर रहे हैं कि यहाँ का जो हमारे लोगों को अच्छा करने के लिए, हमारे लोगों का भलाई के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग क्या है कि परसेंटेज लेके हमारा जो पैसा है, हमारे गरीब लोग जो टैक्स भर के पैसा जमा करते हैं, वो 3,000 करोड़ रुपए हमारे KKRDB में है, वो पैसे का कैसा खर्च करना बोल के इनको अभी तक इनका जानकारी भी नहीं है। ये सभी प्रॉब्लम रख के इन कल्याण कर्नाटक का उत्सव कर रहे हैं। ये क्या है, उत्सव नहीं है, ये बीजेपी लोगों का उत्सव है। यहाँ पे कोई भी दूसरे गरीब लोग और दूसरे हमारे हैदराबाद कर्नाटक के कोई भी लोग नहीं है, सिर्फ बीजेपी वाले, बीजेपी के कार्यकर्ता और जो अधिकारी लोग जो लूट में शामिल होते हैं। अभी देखिए रोड का पैसा उठा के खाते हैं और पानी का पैसा उठा के खाते हैं ऐसे लोग, और ये हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का पार्टी का प्रचार करने के लिए कल्याण कर्नाटक उत्सव कर रहे हैं कि हमारे कल्याण कर्नाटक डेवलप ही नहीं हुआ है अभी भी। ये पैसा 3,000 करोड़ पैसा भी जो अभी तक इनको खर्च करने का थोड़ा भी इनका दिल में नहीं है और इनको वो एबिलिटी भी नहीं है। अभी हमारे बम्बई सरकार ने क्या बोला है कि 5,000 करोड़ रुपए दे रहा हूँ बोल रहे, ये सभी नाटक है, हमारे को गुमराह करके, हमारे को पागल करके। इन लोग क्या है कि आगे आने वाले चुनाव में हमारे जो गरीब लोग आए हैं, हमारे जो भोले लोग आए हैं, हमारे हैदराबाद कर्नाटक के लोग हैं, उनका वोट लेके और सत्ता में आके और लूट मार करने के वास्ते ही ये कल्याण कर्नाटक उत्सव कर रहे हैं। इनको शर्म रही तो अभी भी, इनको अभी भी टाइम है। अभी भी हमारे कलबुर्गी सिटी में बहुत से एरिया में रोड नहीं है, पानी नहीं है, नल नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, ये सभी सुधारण करना चाहिए। ये करने के बाद, हमारा डेवलपमेंट होने के बाद तुम कल्याण कर्नाटक उत्सव करो, हम तुम्हारे साथ रहते हैं, हम तुम्हारे साथ क्या है कि ये उत्सव में भाग होते हैं बोल के इस तरह से हम माध्यम के तरफ से बात कर रहे हैं।